भागलपुर टाउन हॉल में स्वीप के अंतर्गत मंगलवार को जीविका दीदियों के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भागलपुर नगर निगम द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान सभी सेक्टर पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, मास्टर प्रशिक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर जानकारी दी गई। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी जीविका दीदियों और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से 26 अप्रैल को मतदान करने के साथ जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक करने की अपील की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जीविका दीदी और जागरूक नागरिकों की मदद से जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे इस वर्ष की मतदान में भागलपुर का वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव से काफी बेहतर हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के प्रयास जारी हैं, जिससे कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता केंद्र पहुंचकर वोटर वोटिंग कर अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करे। इधर टाउन हॉल में हजारों की संख्या में मौजूद जीविका दीदी, एएनएम और एएनएम स्कूल की छात्राओं ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जिले में अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा ले, इसके लिए वे सभी तत्पर हैं। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव और घर घर जाकर मतदान के दिन सबसे पहले मतदान करने के लिए जागरूक करने की बात कही गई। वहीं जिले में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि होली, दिवाली, छठ, ईद और क्रिसमस समेत अलग अलग धर्म के कई पर्व साल में एक बार आते हैं, लेकिन लोकसभा आम चुनाव का महापर्व 5 साल में केवल एक बार ही आता है और हम सभी को मतदान कर इस महापर्व का हिस्सा बनना चाहिए, जिसमें किसी धर्म, समुदाय, जाति और अमीर गरीब का भेद नहीं है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले में मतदान प्रतिशत 85% तक करने का लक्ष्य रखने की बात कही। कार्यक्रम में DDC कुमार अनुराग, नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, सदर SDO धनंजय कुमार, संयुक्त निदेशक नागेंद्र गुप्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी समेत निर्वाचन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मतदान सभी मतदाताओं का अधिकार है और इस लोकतंत्र के पर्व में मैं आग्रह करूंगा कि बिहार के इस भागलपुर के सभी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान अवश्य करें। अक्सर हम ये मानते हैं कि बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं और अपने देश में ही नहीं विदेश के भी कोने कोने में अपना परचम लहराए हैं, लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बिहार के लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यह जो महापर्व है लोकतंत्र का, लगभग 5 वर्षों से आता है, तो इस 5 वर्ष के अपने जीवन काल के 5 वर्ष के एक दिन के चंद मिनट मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान करें, ताकि वो गौरवान्वित महसूस हो सके और ये भागलपुर के लोगों को एक गर्व हो कि नहीं, भागलपुर ने अपना मतदान किया है। सभी जीविका दीदियों को, सभी NULM है जो शहरी इलाके में है, उन सभी दीदियों को हम विशेष आग्रह कर रहे हैं कि जिस मोहल्ले में भी रहते हैं, अपने आस परिवेश में जहाँ रहते हैं, तो घर घर दस्तक दे करके, घर घर लोगों को जागरूक करके मतदान में उन्हें मतदान के प्रति जागरूक बनाए और उनसे मतदान कराए। सर, जो लोग बाहर रहते हैं उनसे क्या अपील करेंगे सर कि वो भी मतलब मतदान के दिन यहाँ पहुंचकर अपना मतदान करें? काफी लोग बाहर रहते हैं सर। बिल्कुल, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे हमारा होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम और जो है हमारा जो 25 दिसंबर का जैसे फेस्टिवल है, सेम फेस्टिवल ये लोकतंत्र का है और ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति एक समान है। भागलपुर के मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल में मंगलवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बबीता कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुस्तफ़ा कमाल, प्राचार्य DG
कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पुष्प कुमार राय समेत कई छात्राओं के अभिभावक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अतिथियों का स्वागत विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुष्पगुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जबकि नृत्य, गायन, पेंटिंग प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ, रोल प्ले समेत कई कार्यक्रम की प्रस्तुति छात्राओं और विद्यालय परिवार और प्रशिक्षकों ने दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या डेजी ने और मंच संचालन पुष्प कुमार राय ने किया, जबकि मंगलाचरण और स्वागत गीत छात्राओं ने प्रस्तुत किया। वहीं इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने वहां मौजूद सभी छात्राओं, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावकों एवं अधिकारियों को लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाले मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मतदान का महत्व बताते हुए सभी को मतदान करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाया। इधर कार्यक्रम में छात्राओं ने कई मनमोहक गीत पर बेहतरीन नृत्य की प्रस्तुति से सभी का मनोरंजन किया। इसको लेकर शिक्षक पुष्प कुमार राय ने कहा कि मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल में छात्राओं को शिक्षा के साथ कई तरह की विधाओं में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चियाँ अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अपनी कला का सही प्रदर्शन करते हुए बेहतर कैरियर और मुकाम को प्राप्त कर सके। मौके पर नितेश कुमार, बबीता कुमारी, सुनील कुमार समेत काफी संख्या में विद्यालय की छात्राएं, शिक्षक शिक्षिका, बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से हमारे विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी, मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम एवं प्रवेशोत्सव का हम लोग आयोजन किए हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय हैं। हम इस कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किए हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चियां सिंगिंग, नृत्य में भाग ली हैं, क्विज कंटेस्ट चल रहा है, पेंटिंग का कार्यक्रम हुआ और इसके अलावे कविता पाठ, भाषण, ये सब कार्यक्रम हमने आयोजन किया है। बच्चियां बढ़ चढ़ के भाग ली हैं। क्या उद्देश्य है? और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चियों में एक मैसेज देना कि हमारा जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उसमें सारी सुविधाएं हैं और वो बढ़ चढ़ कर विद्यालय में नामांकन कराएँ और निश्चित रूप से प्रत्येक दिन वह विद्यालय आएँ। सारी सुविधाएँ विद्यालय में सरकार दे रखी है।